जैसे कोई पेशेंट आया तो लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से दवाई दे देना चाहिए, अगर मोटा ताज़ा लग रहा है, पूरा कैलकुलेट का पेशेंट देख रहा है, लेकिन उसको चोट लगा है, चोट लगने के कारण वहाँ पर ब्लू पड़ गया है, तो वो इधर कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे या एलिमेंट फ्रॉम में जाओगे? हैं, एलिमेंट फ्रॉम में जाओगे। तो एलिमेंट फ्रॉम जो होता है वो पता है फर्स्ट, तो पहले समझ जाते हैं हम लोग कैसे सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनेंगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी मेडिसिन दिए, अगर 20 मिनट्स के अंदर रिजल्ट नहीं मिला तो वो आपका पेशेंट वो नहीं है, ये तो पहले कंफर्म कर लो। अगर 20 मिनट्स में रिलीफ नहीं दे मिल रहा है उसको, तो वो पेशेंट उस मेडिसिन का नहीं है। 6 महीना वेट करने का दरकार नहीं, कि 1 महीना ही होल्ड करने का दरकार नहीं है, ठीक है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन होम्योपैथी, सक्सेस इन होम्योपैथिक लाइक इन मेनी फील्ड्स इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस। हियर आर सम की एस्पेक्ट, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो उसको जरूरी है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल, होम्योपैथिक प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, यानी कि ऑर्गन पर अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल सच एज द लॉ ऑफ सिमिलर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंटाइजेशन, कभी क्या होगा, हम जाना हुआ मेडिसिन हम 30 पावर में दे रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये पर्सनल पेशेंट है, तो अगेन यू शिफ्ट टू 200 पोटेंसी, अगेन शिफ्ट टू 6 पोटेंसी। इससे पोटेंसी का भी कभी कभी हेल्पफुल होता है, समझ में आया ना। तो दो नॉलेज चाहिए अपने को, एक सिमिलर, एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिलेशन इज क्रूशियल, इज इंक्लूड नोइंग हाउ टू सिलेक्ट रेमेडी बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम एंड द पेशेंट इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम तो लेना है, एक उसमें से क्या निकालना है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पहला चैप्टर है। सेकेंड होता है प्रो कैश टेकिंग। सक्सेस इन होम्योपैथी ऑफन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पेशेंट। सक्सेस उसके पर डिपेंड करता है आप किस तरह पेशेंट को समझे हो। सिम्टम्स, ए कॉम्प्रेहेंसिव कैश टेकिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स द जस्ट फिजिकल सिम्टम्स बट ऑल्सो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन एसेंशियल। फिजिकल सिम्टम्स तो दिए हो, चोट लगा के कैसे छूने नहीं दे रहा, कि दबाने से उसको अच्छा लगता है, तो फिजिकल के बाद में इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स भी बहुत जरूरी है, मतलब दो चीज ये। सेकंड थ्रू केस टेकिंग। तीन नंबर में है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जो पेशेंट आ रहा है उसको देख रहे हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लेज इन सिग्निफिकेंस रोल, वर्किंग विद अ वैरायटी ऑफ केसेस एंड लर्निंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन helps refine diagnostic skill and remedy selection। ये क्या होता है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, कितना पेशेंट देख लो, जितना पेशेंट देखोगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा और इलाज करने का साहस आएगा। कैंसर पेशेंट देख रहे हो तो कैंसर, हाँ हमने ये ट्रीटमेंट किया है तो डरोगे नहीं। किडनी पेशेंट है, ईवीआर ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा तो कैसे होगा, तो डरोगे नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा केस टेकिंग लोगे, जितना ज़्यादा पेशेंट देखोगे, वहीं से एक्सपीरियंस गेन होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे किडनी केसेस वगैरह आता है, किस तरह का कमती होता है देख रहे हो ना, पिछले लक्ष्य में यूरिया क्रिएटिनिन कैसे कम हो जा रहा है, तो सब कुछ देख रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप आएगा ना, आराम से जाके अपने फील्ड में, अपने जगह में जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दैट इज एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस लर्निंग, रोज पढ़ना है। एलेंस की नोट को रोज एक पन्ना, रोज सवेरे गीता या रामायण जैसे रोज पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा जैसे, तो रोज एक पन्ना पढ़ना है, जानते हुए भी, समझ गए हो तब भी पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा ना, एक ही वर्ड आपको 50 आइटम दिखेगा, इसलिए पढ़ना, कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी है। Homeopathy is filled with rich history and ongoing development, staying updated with new research, attending workshop and participating of professional organization helps to maintain and enhance your experience. Total हमेशा workshop में, तो workshop यहाँ पर क्या हो रहा है, case taking ले रहे हो,
एंड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग आके यहाँ पर कर रहे हो, इस तरह के जगह जगह जा करके उससे एक्सपीरियंस बटोरना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। अपने सोचेंगे पढ़ के आ गए और घर में बैठ के जाने से नहीं होने वाला। मैं जितेश को प्राय जितने इंडिया के डॉक्टर है, फॉरेन के जितने डॉक्टर हैं, सबके पास भेजाऊँ। क्यों भेजाऊँ? गेन द एक्सपीरियंस, करना अपने मन की है। पर्सनलाइजेशन, टेलरिंग ट्रीटमेंट फॉर द इंडिविजुअल रेदर देन अप्लाइंग वन साइज फिट ऑल अप्रोच इज फंडामेंटल। इच पेशेंट इज ए यूनिक एंड सक्सेसफुल होम्योपैथिक रिक्वायर्स एडजस्टिंग ट्रीटमेंट फॉर फिट देयर स्पेसिफिक नीड्स। इसके मीन्स होता है कि कभी भी टेलरिंग मेथड में मत जाना, शॉर्टकट में। हर पेशेंट अलग मेडिसिन का रहेगा, बीमारी एक लेके आएगा, क्योंकि हर पेशेंट अलग मेडिसिन से या अलग मेडिसिन उसमें दिखता रहेगा। तो हमें हर मेडिसिन खोजना है पेशेंट को देखते ही, बीमारी के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। पेशेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, बिल्डिंग ए ट्रस्ट एंड गुड रैपोर्ट ऑफ द पेशेंट कैन इंप्रूव द आउटकम्स। ए पॉजिटिव थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इट लीड्स टू मोर एक्यूट इंप्रेशन एंड बेटर एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स। पेशेंट के साथ जैसे आता है केस्टिंग लेने, उससे अच्छा रिलेशन बनाना। आप कहाँ रहते हो, कितने बच्चे हैं, क्या है, ये कहने, आप वहाँ रहते हो, हाँ मैं भी वहीं बगल में रहता हूँ, झूठ मूठ करने भी रहते हो, उससे रिलेशन डेवलप करना है। अरे वहाँ पर भी हमारे यहाँ रहते हैं, कैसे, उससे अपने ये में लैंग्वेज में ले लो, चाहे अपने एरिया के अंदर ले लो, वो जरूरी है। अगर नहीं भी रहते हो, सपोज आप भोपाल से आए हो, भोपाल में रहते हो, हाँ मैं वहीं पर रहता हूँ, ये नहीं बोलना कौन से पहाड़ में रहते हैं, हाँ वहीं पास है, वहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, चाहे से करके रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करने से वो आपको सारा चीज उगल देगा, ठीक है। विदाउट रिलेशन डेवलप किए नहीं होगा। अगर पेशेंट आ गया चिड़चिड़ा है और तुम कुछ बोल दिए और चिड़चिड़ा हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, एडहेरिंग एथिकल प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फील्ड। कुछ एथिक्स बना के रखना पड़ेगा। पेशेंट आया वहाँ देखा, एक प्रिंसिपल बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को हाई फंडामेंटल में रखना पड़ेगा, जो कि आपका डिजिनिटी को मालूम पड़ेगा, तब जा करके वहाँ पर रेस्पेक्ट आपको देगा। इसलिए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जरूरी है। आठ नंबर आता है एलिमेंट फ्रॉम, वांट्स टू नो द कॉज ऑफ द डिजीज, एलिमेंट फ्रॉम आपको जानना जरूरी है। ये रहेगा तभी आप सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कंबाइनिंग दिस थ्री एलिमेंट्स विद अ जेन्युइन पैशन ऑफ द हेल्पिंग द अदर्स लीड टू रिवॉर्डिंग एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस। ये आठों चीज को अगर आप ठीक से करते हो तो आपको प्रैक्टिस कहीं भी चूक नहीं होने वाली, प्रैक्टिस में हमेशा ग्रो करोगे। अब आते हैं एलिमेंट फ्रॉम, एक और एक पेशेंट आया उसका क्या कॉज है, एलिमेंट फ्रॉम जानना जरूरी है हर मेडिसिन का जो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। बेड इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ वेंड रोड्स, सेडेंटरी लाइफ एंड चेक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दब गया हो, ठंडी से आया हो, तब आपको एकोनेट देना है, जो भी कंप्लेन हो, कंप्लेन बाद में हो, जो भी बोले सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, वो सब बाद की बात है। लेकिन अगर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर है, ड्राई कोल्ड एयर एंड वेट कोल्ड एयर, देखो दोनों फर्क है। ड्राई कोल्ड एयर में वेट नहीं रहेगा, बरसात वाली ठंडी नहीं, ड्राई कोल्ड एयर से विंटर सीजन वाली। तो कोई भी हर वर्ड को अच्छा ध्यान से देना है। नॉर्थ और वेस्ट विंड, सेडेंटरी लाइफ, कोई काम नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा, सेडेंटरी लाइफ, चेक रेस्पिरेशन। तो हर एक मेडिसिन का एक एक टू वर्ड बाई वर्ड अपने को रखना है। अरे दान हाँ क्या आ गया, ठंडी लग गया, ऊपर से एक दे दिया, ऐसा नहीं। ठंडी क्या था, ड्राई था या वेट था? कोई पानी में नहा के आ गया और हम एकोनेट दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एगारिकस, ड्रंकर्ड स्पेशली फॉर देयर हेडेक, बेड इफेक्ट्स ऑफ देयर डिवंच।
रिवंज मैंने बहुत ज्यादा दारू पीना, बहुत ज्यादा सिगरेट, एवरीथिंग इन मैक्सिमम, एक्सेसिव ऑनेजम, मास्टरबेशन भी बहुत ज्यादा किया है तो भी आप एक रिक्वेस्ट दे सकते हो, ड्रंकर्ड है, ये सब बेड इफेक्ट फ्रॉम द डिवेज, ये एलिमेंट फ्रॉम लेना है। इसके बिना, ये एलिमेंट फ्रॉम के बिना आपका प्रैक्टिस बहुत अधूरा है, बिल्कुल नहीं हो सकता प्रैक्टिस, अब कभी भी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छा से समझो। एंटीमटाट, डिजीजेस फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट और सेलर्स, डैम्प बेसमेंट या सेलर्स से अगर आए हो तो एंटीमटाट को सोचना है। पेशेंट आया कहां से उसको देखना है, ठीक है। हैपी स्मेल, बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट जंतमा इम्परफेक्टली डेवलप्ड बाय सप्रेस्ड मिजल्स एंड स्कारलेट अर्टिकारिया। पहले भी अगर हिस्ट्री में अगर अर्टिकारिया टाइप का हुआ हो, इरप्शन हुआ हो और कहीं सप्रेस्ड हो गया हो, उसके बाद अगर आ रहा है तो देन यू कम टू एपिस्मल। एपिस्मेल एलिमेंट फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन एंड बैड न्यूज। एपिस्मेल का मालूम है कि नहीं, अगर मधुमक्खी को जितना मारोगे उतना दौड़ाएगा, रिवेंजफुल, जेलसनेस, वैसा ही पर्सन होता है। एलिमेंट फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज, मतलब बहुत झुंझलाहट, इरिटेबिलिटी, साइक्लामेन, एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड ग्रीफ एंड टेरर्स ऑफ कॉन्शियस फ्रॉम ड्यूटी नॉट डन, बेड एक्टर। ये क्या हुआ थी कि इसको मालूम पड़ता मैं गलती कर लिया हूं, उसके कारण वो बहुत दुखी है। ऐसा पर्सन आता है देन यू गो फॉर साइक्लामेन, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैंने गलती किया, अगर अपराध किया, अपने आप को महसूस कर रहा है तो ये देन यू गो फॉर साइक्लामेन। आर्निका बहुत कॉमन है, बैड इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी इवन इन रिसीव ईयर्स अगो, सालों साल पहले भी अगर उसको चोट लगा हो, एवरीथिंग विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड। अगर वो बेड में सोने जा रहा है उसको हार्ड मालूम पड़ रहा है, और हिस्ट्री में मिला को गिरा था, चोट लगा था या कुछ भी हो, तो यू गो फॉर डायरेक्ट आर्निका। आर्सेनिक, बेड इफेक्ट फ्रॉम डिकेड फूड, एनिमल मैटर, वेदर बाय इंक्लूशन एंड ऑल्फेक्शन ऑफ इंजेक्शन। बेड इफेक्ट ऑफ अगर डिकेड सड़ा हुआ फल खाया है, या केला सड़ा हुआ खाया है, या सड़ा गला कुछ अंडा खाया है, कुछ भी खाया हो, डिकेड फूड, आप यू डायरेक्ट टू गो फॉर आर्सेनिक, व्हाट एवर द प्रॉब्लम विल बी। आर्सेनिक का और एक कैरेक्टर्स है, एलिमेंट फ्रॉम च्यूइंग टोबैको, अल्कोहलिज्म, सी बाथिंग, सोजेस पॉइजनिंग, डिसेक्टिंग वुंड्स एंड एंथ्रेक्स पॉइजनिंग, स्टिंग ऑफ ए वेनस इंस्टेक। समझा तो, अल्कोहल बहुत ज्यादा है किया, कोई मक्खी भी काट दिया या कोई, तब भी आप स्टिंग हो गया, पॉइजनिंग जानवर कुछ भी काट दिया तो आप यूज कर सकते हैं। ऑरमेट, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, मोटिफिकेशन, वेक्सेशन, ग्रेड ऑफ रिजर्व, डिस्प्लेजर। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कॉन्ट्राडिक्शन अगर है, ड्रेड ऑफ रिजर्व, डिस्प्लेजर, अंदर में कोई दुख दबा हुआ रहेगा, होपलेस रहेगा, दैट इज द ऑरमेट। ब्रायनिया एल्बम, ब्रायनिया एल्बम का समझने का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट है व्हेन वार्म वेदर सेट्स इन द आफ्टर कोल्ड डेज, ठंडा से गर्म में जाना, ठंडी से गर्म में जाना,
ठंडी का सीजन आया, उसके बाद गर्मी आया, उस पीरियड में ब्रांडिंग को सोचना है। आइसक्रीम खा के गर्म में चले गया, धूप में चला गया। वार्म वेदर सेट्स इन आफ्टर कोल्डनेस फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स और आइस इन हॉट वेदर। गर्मी के दिनों में अगर आइसक्रीम खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, आफ्टर टेकिंग कोल्ड गेटिंग हॉट इन समर फ्रॉम चिलिंग व्हेन ओवरहीटेड किक्स द कवर ऑफ फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राफ्ट एंड कोल्ड विंड सप्रेस्ड डिस्चार्जेस ऑफ मेंसेस मिल्क और इरप्शन और एक्यूट जेंथमा वर्स फ्रॉम एनी मोशन बेटर रेस्ट एंड फिजिकल वर्स फ्रॉम मोशन बेटर बाय रेस्ट फिजिकली रेस्ट या मेंटल। एलिमेंट फ्रॉम चैजरी मोटिफिकेशन एंड एंगर जो बच्चे दूसरे को चिढ़ाता है और जो ज्यादा चिढ़ जाता है दैट इज ऑल्सो ब्रैंडिंग पेशेंट। वायलेंस विथ चिलीनेस एंड कोल्डनेस आफ्टर एंगर चिल्ली बट विथ हेड हॉट एंड फेस कोल्ड। जब चंग गुस्सा हो जाता है तो वो चिल्ली बट हेड उसका हॉट रहेगा, फेस रेड रहेगा। कैल्किया कार्ब डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एसिमिलेशन इम्परफेक्ट ओसिफिकेशन डिफिकल्टी इन लर्निंग टू वॉक और स्टैंड चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड रोल सप्रेस स्वीट पसीने का दब जाना और डिफेक्टिव एसिमिलेशन मैंने बोन वगैरह अच्छे से जुड़े हुए नहीं हो, ग्रोथ नहीं हो, फ्रंटलेस ओपन हो, शटर दिखते रहेंगे, दैट इज द कैल्किया कार्ब। कैल्किया फॉस एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ डिसअपॉइंटेड लव और इग्नेशिया फॉस्फोरिक एसिड एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड लव रहेगा। अब कैल्किया फॉस पेशेंट भी दे वैसा होना चाहिए, लंबे लंबे उंगलियां होना चाहिए, हाइट लंबा होना चाहिए, ग्रोथ उसकी अच्छी रहेगी, देन यू गो फॉर दैट वन। ठीक है। कैम्फर इज ए चिल्ली मेडिसिन परंतु ठंड में भी कवर नहीं करना चाहेगा वो। बेड इफेक्ट में सॉफ्ट रूम ऑफ इंजुरी सरफेस बॉडी कोल्ड फेस पेल ब्लू लिप्स लिविड प्रोफाइन प्रोस्टेशन सरफेस कोल्ड टू टच इट कैनॉट बियर टू बी कवर्ड थ्रोन ऑफ ऑल कवरिंग्स। मेडिनोनम सिकलरी कोर है, मेडिनोनम इज हॉट है, सिकलरी भी हॉट है, लेकिन ये हमेशा कवर नहीं करके सोएगा, उसको ठंडा लग रहा है फिर भी वो कवरिंग इज नॉट रिकवर, दैट इज द कैम्फर। बहुत पिकुलियर सिम्टम है, जिसको ठंडा लगेगा कवर तो करेगा ही ना, परंतु कैम्फर पेशेंट कवरिंग दरकार नहीं है। ये आपको पिकुलियर मिले, ये होम्योपैथी की करामाती है, ये इसको पिकुलियर ऑफ इंडिविजुअल सिम्टम बोलते हैं। कार्बोभेस बेड इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेदर इन यंग एंड पर्सन चाइना फॉस्फोरस नेशन एग्जिस्टिंग डिजीज मैंने डायरिया डिसेंट्री वॉमिटिंग होने के बाद में कैथेटिक पर्सन विथ टॉर्च विटैलिटी हैज बिकम वीक एंड डाइजेस्टेड जिसके वाइटल पल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं उनके लिए एलिमेंट फ्रॉम क्विनिन स्पेशली सप्रेस्ड इंटरमिटेंट एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी सॉल्ट मेंसेस मीट स्पॉइल्ड फिश मीट और फेस फ्रॉम गेटिंग ओवरहीटेड बेड इफेक्ट टू द लॉस ऑफ द वाइटल फ्रूट्स लॉस ऑफ द वाइटल फ्रूट मैंने सेमेन और डायरिया डिसेंट्री वॉमिटिंग दीज आर द वाइटल फ्रूट्स हेमरेज फ्रॉम द एनी ब्रोकन डाउन कंडीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन चाइना एंड फॉस्फोरस। कॉस्टिकम कॉस्टिकम एलिमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ एंड सोरो फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप नाइट वॉचिंग जो रात में बहुत ज्यादा ना नाइट वॉचिंग करते हैं उनके लिए भी है कॉकलस एंड इग्नेशिया ऑल्सो कष्टिका मेरी जो बनाती है मेडिसिन फ्रॉम सडन इमोशन फियर एंड फ्राइट जॉय जलसी में फ्रॉम एंगर ऑफ वेक्सेशन फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन सप्रेस्ड अगर इरप्शन है चिड़चिड़ापन है और गुस्सा बहुत ज्यादा है देन यू गो फॉर कॉस्टिकम।
हर पेशेंट में आपको एलिमेंट फ्रॉम खोजना है अगर पेशेंट को ठीक करना है तो. कंप्लेन फ्रॉम एंगर स्पेशली चिल एंड फीवर दैट इज कैमोमिला. कैमोमिला पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्सा के कारण उसके बुखार आ जाना, बहुत ज्यादा ठंडा लगना, तो उससे उत्पन्न और भी दूसरे रोग अगर कंप्लेन एंगर से एंगर अगर है तो. अब याद आता है कोई पेशेंट होता है हर बार चेंज ऑफ वेदर होता है मैं बीमार पड़ जाता हूं. चेलोडिनियम में एलिमेंट्स ब्रॉट ऑन द रिन्यूड ऑफ द चेंज ऑफ द वेदर ऑल लेशन आफ्टर डिनर. मर्कुरियस भी है और चेलोडिनियम भी है. ये एलिमेंट्स को अच्छा से याद रखना है और हमेशा ये सारे क्लियरेंस की नोट से ही है, कोई बाहर से नहीं आया है, इसलिए एक एक वर्ड को याद रखना है. सिंकोना एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली हेमोरेज एक्सेसिव लैक्टेशन डायरिया एंड सपोरेशन. पस भी बहुत ज्यादा निकल गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, वोमिटिंग हो गया, ब्लीडिंग हो गया, उसके बाद अगर वीकनेस बहुत ज्यादा है आप 20 मिनट में ही उसको उसको रिकवर करके भेज सकते हो. यहाँ पर कई पेशेंट चाइना का ठीक करके भेजा गया है. बहुत ज्यादा कमजोरी है, डुल डाल चल रहा है, दवाई देने के बाद ही एकदम फिट फाट होकर चल जाता है. मेकिंग कॉज आपको जनरल जरूरी है कि इसको डायरिया होता था कि डिसेंट्री होता था, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स कैसे हुआ है ये जानोगे तो पेशेंट संगे संग रिकवर करेगा, जो कि सेलाइन चढ़ाने के बावजूद भी उतना एक्टिव होके नहीं जा सकता जितना चाइना का 20 मिनट से आप बिना सेलाइन और इंजेक्शन का ठीक करके सकते हो. ठीक है, सिंथोला समझ गए तो. कोका बेड इफेक्ट फ्रॉम द माउंटेन क्लाइंबिंग एंड बेलोनिंग ऑफ स्टिमुलेंट अल्कोहल एंड टोबाको. पहाड़ पर चढ़ने वालों को अगर कोई तकलीफ होती है देन यू थिंक विद कोको. क्या करते हो पूछने से पता चल जाएगा. पहाड़ पर चढ़े चाहे बिल्डिंग पर चढ़े कैसे भी करके अगर हाई प्लेसेस पर चढ़ता है देन यू थिंक द कोका. कोकलेस बेड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप मेंटल एक्साइटमेंट नाइट वॉचिंग फील वीक दे है दे लूज बट वन आवर स्लीप कन्वर्सन आफ्टर लूज लॉस ऑफ स्लीप ऑफ एंगर एंड ग्रीफ. रात को नींद ना होने के कारण अगर कोई पेशेंट को कोई तकलीफ हो रहा है, पेशेंट तो लेके आएगा दूसरे तकलीफ, गैस्ट्रिक हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, पेट दर्द दे रहा है, लेकिन आपको समझना है क्या कि रात को सोया था कि नहीं, नींद आ रहा है कि नहीं, इसको उस पर काम करना था. कैप्सिकम पर जाओगे, कोकलस पर जाओगे, उसके बाद में डिसाइड करना है क्या देना है. ठीक है, कॉफी बेड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशन और प्लीजेबल सरप्राइजेस. कोई भी अच्छा न्यूज आने के बाद में क्या होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज और इमोशन में हो जाता है, और अगर बेड न्यूज से अगर वैसा हो रहा है दैट इज जेलसीमियम. वीपिंग फ्रॉम डिलाइट्स अल्टरनेटिव लाफिंग एंड वीपिंग. कभी रोना कभी हंसना इसका होफिया का लक्षण है. तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना भी हमारे मेडिसिन में आता है. कोल्चिकम एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ फॉर मिसडीड ऑफ द अदर्स. दूसरे से मिसबिहेवियर करने के बाद में बहुत ज्यादा ग्रीफ होने के बाद में अगर कोई बीमारी उत्पन्न हुआ है देन यू गो फॉर कोल्चिकम और स्टेफिसगेरिया. कोलोसिन अफेक्शन फ्रॉम द एंगर विद इंडाइजेशन कोलिक वॉमिटिंग डायरिया एंड सप्रेशन ऑफ द मेंसेस. मेंस ना होने के कारण अगर ये सब प्रॉब्लम हो रहा है तो कैमोमिला एंड स्टेफिसगेरिया इज ऑल्सो विथ यू. इंडाइजेशन है, कोलिक है, वोमिटिंग है, डायरिया है देन यू थिंक द कोलोसिन. कोलोसिन का एबरेशन बाय बेंडिंग फॉरवर्ड. कोनियम मैक बेड इफेक्ट ऑफ सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर और सप्रेस्ड मेंसेस. ये सेक्सुअल डिजायर डिसलाइक करना, मन रहता है लेकिन वो नहीं सब मन को इतना दबा देगी कि सेक्सुअल उसका डिजायर पूरा दब जाता है.
नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और फ्रॉम द सेक्सुअल एक्सेसिव इंडिविजुअल्स। ये कभी कभी सेक्सुअल बहुत ज्यादा यूज करने के बावजूद में भी अगर वो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाता है, देन यू थिंक द कोनियम लाइक क्रोटालस डिजीज कॉज बाय प्रीवियस लो स्टेट ऑफ सिम्टम, लो सेप्टिक टाइफाइड मलेरियल फीवर, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, एग्जिस्टिव वाइटल फोर्स, जेन्युइन कोलैप्स। सेप्टिक फीवर में अगर है, मलेरिया फीवर है, देन यू थिंक द क्रोटालस पेशेंट अगर वहां से आपके पास आया है तो। क्यूप्रमेट बेड इफेक्ट ऑफ इरप्शंस ऑफ नॉन लेवल ऑफ द ऑक्सीजन रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रेन एफेक्शन, स्पाजम, कन्वल्शन, वॉमिटिंग और सप्रेस्ड फूड स्वीट, पसीना दब जाने से कारण, और इरप्शन जो है अगर दबा हुआ रहा है, रिपर्ट्यूस्ड इरप्शन, निकलने नहीं पा रहा इरप्शन, दबा हुआ है, देन यू गो फॉर क्यूप्रमेट। डलकमारा एलिमेंट्स ड्यू टू लिविंग और वर्किंग इन डैम्प एंड कोल्ड बेसमेंट और द मिल्क डायरी में काम करने वालों को, या डैम्प एक रूम में रहता है उससे पेशेंट है, आप कहाँ रहते हो, कैसा, बोले मैं बेसमेंट में घर है, ये है वो है, डैम्प होता है कि नहीं, देन यू गो फॉर दिस एंड एंटीम टार्ट भी वहाँ पर सोचना है, ठीक है। जेल्सेमियम बैड इफेक्ट फ्रॉम फ्राइट, फियर, बैड एडजस्टिंग न्यूज एंड सडन इमोशन, प्लेजेंट एंड सरप्राइज एंड कॉफिया। जेल्सियम पेशेंट को तो आप लोग पहचान सकते हो, दम घुटेगा, क्लोज रूम में रहता नहीं है, जेल्सियम को थोड़ा सा और टोटलिटी ले लेना। जेल्सियम बैड इफेक्ट फ्रॉम द फ्रेट, फियर, बैड एग्जिस्टिंग न्यूज, बैड न्यूज अगर सुन रहा है तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, सडन इमोशन में चला जाता है। ग्लोनाइन बैड इफेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, फ्राइड, फियर, मैकेनिकल इंजुरी एंड देयर लेटर कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम हैविंग द हेयर कट। हेयर कट के बारे में प्रॉब्लम तो लेके आता है, तो ग्लोनाइन तो बहुत हॉट है, आप जा सकते हो, बेलोना चिल्ली है, कोरेक्ट चिल्ली है, आप उस हिसाब से पहचान सकते हो उसको। अगर बैड इफेक्ट ऑफ एवर्शन एंड मिसकैरेज हो रहा है, बार बार उसको एवर्शन हो जा रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, उसके बाद से उत्पन्न बीमारियों में हेलोनियस है। हायोसमस बैड अबाउट अनफॉर्चुनेट लव विथ जेलियसनेस, रेज, इनहेरेंट स्पीच और इनक्रेंसल द लॉफ एट एवरीथिंग, ओपन टू फॉलोड बाय एपिलेप्सी। तो हैसमस क्या, पूरा नेकेड बिहेवियर, ठीक है, बहुत फियर रहेगा, जेलस रहेगा, कोई भी अगर दूसरे घर का सामान आएगा नहीं खाएगा, उसको डर लगेगा कहीं मेरे को पॉइजन तो नहीं दे दिए, हैसमस चीज को कोई मेन इफेक्ट होता है। अनफॉर्चुनेट लव, किसी से भी बात कर लिया, सोच लिया मेरा लव हो गया और उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड ऑफ लव, इग्नेशिया, कैल्पियोफर्स, हायोसमस, ब्रॉड इन सॉलिट्यूड ऑफ द इमेजिनरी जोनस। इग्नेशिया क्या होता है, बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटेड लव। इसको कैसे पहचानोगे कि इग्नेशिया पेशेंट है, उसको सिगरेट का गन बगल में कोई सिगरेट पीता रहेगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, दैट इज इग्नेशिया। क्यों नहीं होता, इसके भी साइंटिफिक कारण है। आदमी इतना सोच सोच के, उतना डिसअपॉइंटेड ऑफ लव, चिंता कर करके क्या होता है, बॉडी का सारा ऑक्सीजन खत्म कर लेता है, तो बच गया CO2 गैस, तो बगल से CO2 चलाएगा तो उसको थोड़ा एग्रवेशन होगा, ऑक्सीजन देगा तब उसको अच्छा लगेगा ना, जैसे स्मोकिंग वगैरह उसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इल इफेक्ट फ्रॉम द बैड न्यूज फ्रॉम रिलैक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्ले, चिड़चिड़ापन, खुशी नहीं रहना कभी भी, डिस्प्लेजर, फॉर सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग ऑफ शेम ऑफ मोर्टिफिकेशन, स्टेफेस गिरिया। काली बैकग्राउंड, इसको याद रखना, हर गर्मी के ड्यू टू हॉट वेदर कंप्लेन
एरेजेस कुछ नहीं है, खाली गर्मी के आएगा, गर्मी में मेरा तकलीफ बढ़ जाता है, वो फॉर काली बाइक्रोम डायरेक्ट। लेकेसिस एलिमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, सोरो, फ्राइट, वेक्सेशन, चिड़चिड़ापन, जेलसनेस और डिसअपॉइंटेड ऑफ लव, सब लेकेसिस में है। लेकेसिस पेशेंट बहुत सेक्सी भी रहती है, और हम इग्नेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, ये मेडिसिन है। तो सारा वर्ड टू वर्ड फ्रॉम द एलन है, कहीं भी एलन से बाहर नहीं है, इसलिए हमेशा वर्ड वाइज आपको याद रखना है। एलन वाला अगर कंप्लीट कर लिए तो कोई भी किताब पढ़ने का काम नहीं, रिपोर्टरी में जाना है ना कुछ, आपका ट्रीटमेंट का वे ही हम आपको दूसरा दे रहे हैं कि इंडिविजुअल सिम्टम्स कैसे आप पकड़ोगे। लेकिन ब्रेड इफेक्ट ऑफ पॉइजन वुंड पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के बाद में अगर उत्पन्न रोग या उंड कोई सड़ा गला घाव हो गया है, दैट इज लेकेसिस, एंड दूसरा है पायरोजिनम, दो ही मेडिसिन है आपके पास। लाइकोपोडियम एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मॉडिफिकेशन, वेक्सेशन, चिड़चिड़ापन, रिजेक्ट, डिस्प्लीजर। लाइकोपोडियम पेशेंट भी कभी खुशी नहीं रहता है, हमेशा दुख रहता है, और इसको लाइफ स्टाइल डिजीज भी करता है, उल्टा पुल्टा खाना, मानना नहीं, एडामेंट, डिक्टेटरशिप, आपको सब लेना है उसके बाद भी। अगर वैसा पेशेंट आता है देन यू गो फॉर लाइकोपोडियम। और एक लाइकोपोडियम का दूसरा सिम्टम भी है, बैड इफेक्ट्स ऑफ ऑनियन, ब्रेड, वाइन, स्प्रिट्स, लिकर, टोबैको स्मोकिंग एंड चेन। बैड इफेक्ट ऑफ द ऑनियन, ब्रेड, वाइन, स्प्रिट्स, लिकर, टोबैको स्मोकिंग एंड चेन। पेट्रोलियम एलिमेंट फ्रॉम राइडिंग इन ए कैरेज, रेल रोड, पेट्रोल कार और इन ए शिप। अगर शिप में जा रहा है या कार से जा रहा है या रेल से जा रहा है और उसको प्रॉब्लम हो रही है और बीमारी उसके बाद अगर बढ़ जा रहा है, पेशेंट आता है खुद बताता है, मैं ट्रेन में जाता हूँ तो बीमारी बढ़ जाती है, कार में जा रहा हूँ तो बढ़ जा रहा है, शिप में जाऊँगा तो मेरा तकलीफ हो जाता है, तो पेशेंट ही आपको बताएगा एलिमेंट फ्रॉम, और आप उसी हिसाब से दवाई पर जा सकते हैं। और एक बेस्ट मेडिसिन है, जनरली क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर अगर बेड इफेक्ट जो एक्सेसिव यूज ऑफ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा करता है तो हम लोग नेप्टामिल पर चले जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। फॉस्फोरस एक मेडिसिन है, फॉस्फोरस और नेप्टामिल में आपको तुलना करना है, कॉम्परेटिव करना है कि नेप्टामिल पेशेंट है या फॉस्फोरस पेशेंट है। फॉस्फोरस पेशेंट हमेशा कोल्ड ड्रिंक डिजायर करता है, आप बर्फ खाना पसंद रहेगा तो आप फॉस्फोरस पे जा सकते हो, फॉस्फोरस पेशेंट इंटेलिजेंट लॉन्ग रहेगा, ठीक है। रेस्टेक्स एलिमेंट फ्रॉम स्प्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एंड सिंगल पार्ट मसल्स ऑफ द टेंडन, मुड़ गया, स्प्रेन हो गया, तो देन देयर फॉर रेस्टेक्स। ओवरलिफ्टिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्ट्रेचिंग अप, बहुत चीज को उठाना, बहुत परिश्रम करना, लेइंग ऑन डैम ग्राउंड, टू मच समर बाथिंग इन द लेक और रिवर, समर में बहुत जोर से अगर नहा रहे हो, दिन दिन भर नहाते रहो, छः छः घंटा, चार चार घंटा, देन यू गो फॉर रेस्टेक्स। सेवाइना एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग एबॉर्शन एंड प्री मेच्योर लेबर, हेमरेज फ्रॉम द यूटेरस, फ्लो पार्टली फ्लूड पार्टली क्लॉटेड, उसका फ्लो पार्टली फ्लूड लिक्विड निकलेगा, पार्टली क्लॉटेड निकलेगा, वर्स्ट फ्रॉम लिस्ट मोशन, ओपन रिलीव्ड बाय वॉकिंग, पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेक्रम टू प्यूबस, नीचे से ऊपर तक पेट में दर्द होना। सेम्बुकस नाइग्रा The bad effects of violent mental emotion, anxiety, grief or excessive sexual indulgence is sambucus nigra. Silesia. Elements caused by suppressed food sweet.
पैरों में पहले पसीना आता था, पसीना बंद हो गया, उसके बाद से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है. दैट इज सजेशन. एक्सपोजिंग टू हेड और बैक आर एनी स्लाइट ड्राफ्ट और प्रेयर. बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन एस्पेशली एब्सेस एंड कन्वल्सन. चेस्ट कंप्लेन ऑफ स्टोन कटर विथ टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ. जो पत्थर काटने वाले रहते हैं उनको अगर कोई तकलीफ हो रहा है, वैसा पेशेंट आ रहा है कि स्कैल्पल का काम कर रहा है, तो आप थिंक दिस सजेशन. स्टेपिस गेरिया आपको अच्छे से पता है. एलिमेंट फ्रॉम प्राइड एनवी एंड ट्रेजरी. चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जेलस, कोई उसको बोल दिया गुस्सा एकदम दबा के रखना, डिसप्लीजर फ्रॉम द एंगर, और उसको कोई हार्म कर दिया हो, उसको दुखी कर दिया हो, ऐसा बात बोल दिया हो उस पर, उसको ठेस लगा हो, दैट इज द स्टेप. इसके लिए उस समय दांत दर्द हो, चाहे कुछ हो, अगर सफेद डेंगर है, स्टेप इसके एक डोज देने के बाद ही कम हो जाता है. बेड इफेक्ट ऑफ ऑनेजम. मास्टरबेशन अगर उसके हैबिट हो, सेक्सुअल एक्सेसनेस है, लॉस ऑफ वाइटल फोर्स है, चार्जिंग मोटिफिकेशन, अनमेरिटेड इंसल्ट, इंडाइशन विथ प्रेक्सेशन ऑफ द चिड़चिड़ापन और डिसप्लेजर है, देन यू गो फॉर स्टेप इज गेरिया. सल्फ्यूरिक एसिड. बेड इफेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी विथ ब्रूसिस, चाफ्टिंग एंड लिविड स्किन. प्रोस्टेशन. तो सल्फ्यूरिक एसिड और आर्निका में कैसे डिफरेंस करोगे? आर्निका में सोएगा उसको बेड हार्ड लगेगा, ठीक है, और ऊपर हॉट एंड कोल्ड रहेगा. यहां पर बेड इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी विथ ब्रूसिस, चाफिंग एंड लिविड स्किन. प्रोस्टेशन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. पुराना इंजर्ड है. थूजा. बेड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन. एंटीप्लाट भी है, अंथूजा भी है. सप्रेस्ड माल ट्रीटेड गोनेरिया. गोनेरिया अगर पहले एलोपैथिक से ट्रीटेड किया गया हो, मलम लगाया हुआ हो, उसके बाद थूजा और मेडिड्रोम, दो मेडिसिन है. मेडिड्रोम पेशेंट पेट के बल सोएगा. बेटम एल्बम. बेड इफेक्ट ऑफ ओपियम ईटिंग एंड टोबैको च्यूइंग. अगर पेशेंट आता है कोई केस लेकर के, अगर उससे आपको पता चले ओपियम खाता है या टोबैको खाता है, च्यूइंग करता है, तो डायरेक्टली यू कैन गो फॉर मेट्रोमेलोम, भले जो भी कंप्लेन हो. आपको कंप्लेन नहीं देखना है, पेशेंट क्या करके आ रहा है, क्या करता है. सब क्लियर हो गया? एलिमेंट्स फ्रॉम केस टेकिंग ले लो, ले पूरा, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम खोजने की कोशिश करो, तभी पेशेंट ठीक होगा. अगर ये नहीं मिला एलिमेंट फ्रॉम, तब भले कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज जा सकते हो, लेकिन बेटर एलिमेंट फ्रॉम. रिपोर्टरी में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे. रिपोर्टरी और कोई बड़ी बुक मत जाओ कि आपके पास एलियंस में इतना कुछ है, आपको दूसरे तरफ इतना ही करो ना. जो सिम्टम एलियंस में है उतना ही पेशेंट ठीक करो, उसी में पूरा नाम हो जाएगा आपका. प्रैक्टिस हो, मैं इतनी बड़ी जो प्रैक्टिस जो यहाँ इतनी बड़ी हॉस्पिटल लेके आया हूँ यहाँ पर, मैं क्या मैं कर होम्योपैथिक से ही लाया हूँ ना, और मैं जीरो से लाया हूँ. मेरे पास, मेरे पिताजी के पास भी कुछ नहीं था. थैंक यू. तो थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.